फिर स्टार्ट से वहीं से स्टार्ट नहीं हो गई है? वो तो ऑटोकैड था ना, ये NJWCAD, तो इसमें सारा अपना प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस तो एज इट इज है, जैसे उसमें वैसे ही है। आप जैसे उसमें लाइमैक्स दिए थे, इसमें भी लाइमैक्स दीजिए, लाइमैक्स की वैल्यू दीजिए, ठीक है। लिमिट देना है, लिमिट आ गया ना। इसमें भी ऑन ऑफ का ऑप्शन आया, ऑन करिए, फिर लिमिट ठीक है, जेट इंटर एंटर कर दिया। अब इसमें लाइन लेकर इसमें भी कौन सा बीमारी हो गया भाई, और थोमोड ऑन करने के लिए यहां से कर दीजिए, उधर स्ट्रेट आती है। हमने लिमिट दिया था 200, लिमिट दिया था मतलब कितना 200, लेकिन लिमिट को हमने बाद में ऑफ कर दिया क्योंकि ले नहीं रहा था, ठीक है। लाइन ड्रॉ करने का, लाइन ड्रॉ करने से पहले यूनिट सेट कर लीजिए, किस यूनिट पे आपको काम करना है। मान लीजिए आपको मैकेनिकल पे काम करना है तो यहाँ मिलीमीटर होगा, यहाँ टाइप में डेसिमल होगा। जो प्रिसीजन है, कितना डिजिट तक आपको एक्यूरेसी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर लीजिए। जैसे बहुत सारे ड्राइंग्स में होता है 0.00 तक, जैसे 10.22, 10. तो कहीं 5 होगा, जहाँ 5 है वहाँ एक डिजिट लीजिए, जहाँ 2 डिजिट है उसके अकॉर्डिंग आप लीजिए। ये एंगल का है, एंगल वाले में कुछ नहीं करना है, टाइप में डेसिमल डिग्री रहने दीजिए, प्रिसीजन राउंड फिगर रहेगा। कहीं कहीं पे आता है, अभी आपका ये जो सॉफ्टवेयर है वो एंटी क्लॉकवाइज काम करता है, राइट टू लेफ्ट। अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरे को क्लॉकवाइज काम करना है, हालांकि दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप राइट टू लेफ्ट करिए, लेफ्ट टू राइट करिए, टोटल जो है वो एंगल 360 है, तो आप यहाँ से क्लिक करिए, क्लॉकवाइज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। सर जैसे ये आर्किटेक्चर वगैरह जो काम करते हैं उनका तो फिट्स में काम होता है कि इतना फुट है, तो कौन सा मेजरमेंट लेते हैं? तो यहाँ पर टाइप पे आप क्या करिए, आर्किटेक्चरल करिए, प्रिसीजन आ गया ना, इंच फिट में आ गया, मिलीमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, मिलीमीटर इसमें नहीं आएगा, इंच फिट आएगा, आर्किटेक्चर पे इंच फिट आएगा, नहीं जो नीचे मिलीमीटर है नहीं, ये चेंज होगा, इंच करना पड़ेगा इसको, इंचेस, उसका ओके कर दीजिए, फिर डी इंटर करिए, चाहे डायरेक्टली आप डी इंटर करके अभी यहाँ से भी सेट कर सकते हैं। मॉडिफाइड पे जाइए, प्राइमरी यूनिट्स, यहाँ पे क्लिक करिए, आर्किटेक्चर जितना प्रिसाइज चाहिए उसके अकॉर्डिंग यहाँ सेट कर लीजिए, फिर लाइन पे आइए, डायमेंशन लाइन जो है इसका कलर अलग चेंज करिए, सेग्रीगेट करने के लिए अलग अलग दिखेगा। एक्सटेंशन लाइन उसको अलग करिए, एक्सटेंशन लाइन क्या करता है, लिमिट डिफाइन करता है, लोअर लिमिट क्या है, अपर लिमिट क्या है, कहाँ से कहाँ तक का लेंथ क्या है, वो लिमिट डिफाइन करने का काम एक्सटेंशन है, और डायमेंशन लाइन का काम है वो टेक्स्ट दिखाने का कि कितना मीटर की चाहिए, उसको भी अलग कलर कर लीजिए, है ना, अलग कलर। ये भी हो गया सिंबल्स एंड एरोस, एरो का जो स्टाइल है वही रहने दीजिए, यहाँ पे किसी का कुछ चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर आपको स्टाइल चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब रही बात टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट का कलर सिंपल रहने दीजिए, चाहते हैं अगर कलरफुल बनाना तो भी ऑप्शन है आपके पास। टेक्स्ट की हाइट जो है यहाँ चेंज मत करिए, हम क्या करते हैं फिट पे क्लिक करते हैं, यहाँ लिखा हुआ है स्केल फॉर डायमेंशन फीचर्स, डायमेंशन के फीचर के लिए स्केल फैक्टर, और नीचे है ना यूज ओवरऑल स्केल ऑफ, इसको बड़ा करेंगे ना, इसमें जितना स्केल फैक्टर हम देंगे उतना से मल्टीप्लाई सब में होगा, एरो के साइज में भी हो जाएगा, एक्सटेंशन लाइन और मेन ड्राइंग के बीच में जो गैप है उसमें भी मल्टीप्लाई होगा, यानी जितने न्यूमेरिकल वैल्यू, जितने न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं इसमें सब में मल्टीप्लाई होगा, कितना से तो 5, जितना भी आप वैल्यू दीजिएगा उसके अकॉर्डिंग। फिर आइए आप यहाँ पर प्राइमरी यूनिट्स से, यहाँ आर्किटेक्चर है ही, हाँ ओके करिए, उसके बाद सेट करेंट और क्लोज, सेट हो गया, जेट इंटर ए इंटर जूम ऑल। अब क्या करते हैं हम, मान लीजिए आपको लाइन से ही कोई बिल्डिंग का प्लान बनाना है, एल इंटर किए, ऑर्थो मोड ऑन है, मान लीजिए कि फ्रंट 30 फीट है तो 30 फीट,
इंटर यू मीन जूम आउट से, उसके बाद ये बीच मिडिल बटन को प्रेस करिएगा, पैन ऑन हो जाएगा। मान लीजिए 30 फीट इधर भी है तो 30 फीट यहाँ भी वैल्यू दे दिया, फिर जस्ट डायरेक्शन चेंज किया, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया और फाइनली सी इंटर क्लोज। ये UCS आइकन को अगर फिक्स करना है आपको तो टाइप करिए UCS आइकन इंटर, उसके बाद आपके पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है ऑन ऑफ ऑल ओरिजिन नो ओरिजिन प्रॉपर्टी, आपको करना है नो ओरिजिन एंड इंटर, फिक्स हो गया। अब इसका अगर डायमेंशन आपको चेक करना है, एनोटेट पे जाइए, यहाँ पे लीनियर, जस्ट इसको क्लिक करिए, इसको क्लिक करिए, ड्रैग करिए एंड क्लिक करिए। अगर यही कमांड बार बार यूज करना है, इंटर प्रेस करिए और उसको सेम प्रोसेस को, ठीक है जी। अभी देखिए ये गैप जो है, ये देखिए इसका एरो का साइज देखिए, टेक्स्ट की हाइट वगैरह सब देखिए। अभी हम दोबारा अगर हम डी इंटर करके डायमेंशन स्टाइल मैनेजर से चेंज करते हैं फिट पे जाके, तो देखिएगा इसका वैल्यू अभी 5 है ना, मैं इसको कर देता हूँ 8। ओके, सेट करेंट क्लोज, अब हर जगह बढ़ गया। एक यूनिफॉर्मली जो रेशियो होता है वो रेशियो मेंटेन हुआ। अगर आप टेक्स्ट की हाइट अलग करते, एरो का साइज अलग करते तो क्या होता, वो हाँ वो विकलांग बन जाता, हमारे मोदी जी के भाषा में दिव्यांग बन जाता वो, तो दिव्यांग नहीं बनाना है, इसको एक ही रेशियो में बढ़ाना है, तो हम फिट पे जाके चेंज करेंगे। ये तो सिंपल लाइन का है। अगर आपके दिमाग में आता है कि मेरे को टेपर लाइन खींचना है जो सर्टेन डिग्री पे बेंड हो, एल इंटर किए, आपने स्टार्ट कर दिया, शिफ्ट एट द रेट लीनियर वैल्यू, शिफ्ट एंगल एंगुलर वैल्यू, अभी 0 डिग्री है स्ट्रेट आएगा, आपको 10 डिग्री 15 डिग्री जितने डिग्री पे घुमाना है, 15 डिग्री 15 इंटर, ये 15 डिग्री पे बेंड हो गया ये लाइन। आप इसका एंगुलर डायमेंशन ले लीजिए कि क्या ये वाकई में 15 डिग्री पे बेंड हुआ है। पूरा ऑटो कैड है ये, जेडब्ल्यू कैड जो है पूरा ऑटो कैड है, इसमें जो भी कमांड, जैसे सर्कल मान लीजिए लाइन का फंडा क्लियर है ना आपका। हाँ। अब पॉलीलाइन का नाम से ही क्लियर है कि जिसमें मल्टीपल फंक्शन होगा। पॉलीलाइन के लिए पीएल इंटर करिए, क्लिक किया, बेस मान लीजिए 8 है, 8 इंटर कर दिया, एक्स पे 8 की वैल्यू है मान लीजिए, वाई पे हमने 11 दे दिया। अब मुझे आर्क चाहिए इसके ऊपर, ए इंटर करिए, इसका वैल्यू कितना हमने दिया था, एक्स की वैल्यू 8, तो 8 दीजिए इंटर, 8 डायग आ गया। अब यहाँ पे फिर क्लोज करना है आपको, एल इंटर करिए, सीधी लाइन स्टार्ट हो जाएगी, सी इंटर करिए, क्लोज हो गया। इतनी में सिंगल प्रोफाइल, ठीक है, आप इसका डायमेंशन चेक कर लीजिए फिर यहाँ पे। रेडियस चार, डाया 8, रेडियस 4, सर्कल सी इंटर करिए, या तो 0.0 करिए जहाँ से शुरू होगा, ओरिजिन से शुरू होगा, नहीं तो जहाँ चाहिए क्लिक किया, उसके बाद डायरेक्टली जो वैल्यू हम देंगे वो क्या होगा, रेडियस होगा। लेकिन अगर आपको डायमीटर डिफाइन करना है तो डी इंटर, नाउ जस्ट गिव द वैल्यू ऑफ डायमीटर, पहले सी इंटर करेंगे देन डी इंटर। हाँ, जैसे सी इंटर किया, क्लिक किया, अब आपको अगर डायमीटर देना है, स्पेसिफाई सर्कल रेडियस और डायमीटर, डायरेक्टली जो वैल्यू देंगे वो रेडियस का होगा। अगर आपको डाया चाहिए देन डी इंटर करिए, नाउ गिव द वैल्यू ऑफ डाया, बराबर। अगर आपको, अब इस सर्कल के अंदर 2-3 ऑप्शन और है, 3P 2P TTR है ना, डायल तो बता ही दिया, 2P 3P TTR एंड 10-10 रेडियस। मान लीजिए आपके पास एक लाइन है जो
आठ बाई आठ का लाइन ले लिया हमने। मैं TTR का ऑप्शन बता रहा हूँ आपको, सी इंटर TTR इंटर टेन टेन रेडियस, इस पे क्लिक कर दीजिए, इस पे क्लिक कर लीजिए और नाउ जस्ट डिफाइन द वैल्यू ऑफ रेडियस। मान लिया कि वन दे दिया, जहाँ टेंजेंट होगा वहीं पे आएगा, आप चाहे क्लिक टॉप पे करें। एक बार और बताऊं, सी इंटर TTR टेन टेन रेडियस। अब इसमें कोई पॉइंट डिफाइंड तो है नहीं, मैं जस्ट इस लाइन पे अगर यहाँ भी क्लिक करूँ और यहाँ क्लिक कर दूँ, ठीक है, रेडियस हमने दे दिया 5, तो वहाँ थोड़ी आएगा, जहाँ टेंजेंट होगा वहाँ आएगा। मतलब कहीं भी क्लिक करो उससे कोई मतलब नहीं, आपने डिफाइन कर दिया ना कि लाइन पे टेंजेंट होना चाहिए, तो टेंजेंट होना चाहिए, आपने रेडियस भी डिफाइन कर दिया तो अपने अकॉर्डिंग वो लेगा। इसका एक और तरीका है, आप फ्लिट कमांड इस्तेमाल कर सकते हैं, एफ इंटर आर इंटर, अब फ्लिट का रेडियस डिफाइन कर दीजिए 5 इंटर, एफ इंटर आर इंटर, देन लाइंस को सिलेक्ट करने देन एंटर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बोलता है कि ये सर्कल इसको क्लोज कर दो, कैसे क्लोज करेंगे, पॉली एडिट कमांड, पॉली एडिट, ई इंटर किया, क्लिक किया, डू यू वांट to turn into one, yes, now see enter close। अब इसी को अगर मैं चाहता हूँ कि जो लाइन बन जाए 90 डिग्री पे, तो हम क्या करेंगे, वही फ्लिट कमांड जिससे मैंने रेडियस दिया है उसी से एंगल बनेगा, F इंटर R इंटर now 0 इंटर, कहने का मतलब है कि हम एक ही काम से, मतलब एक ही कमांड से मल्टीपल फंक्शन कर सकते हैं अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड है तो, नहीं तो उलझ जाएंगे, मैं 3-4 कमांड के अंदर ही मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कैसे यूज करते हैं, बच्चे लोग इसी उलझन में उलझे रहते हैं कहाँ से क्या करें। तो किसके नोट्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, किसके, जिसके जो TTR है और फ्लिप कमांड है उसका, उसका कुछ इंट्रोडक्शन तो मैंने वो बनाया हुआ है जो ब्लॉग पे लिखा हुआ है, लेकिन जब तक एक बार बच्चा फेस टू फेस होगा नहीं ना, तब तक उसका फंडा क्लियर नहीं होगा, क्योंकि बच्चे लोग टेंजेंट वाला उलझन में फंस जाते हैं, टेंजेंट क्या है। अब कॉमन सेंस है, आप कोई भी कमांड लीजिएगा तो आपसे पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट, आपको सीधा मैं बोलूँ जाने कहाँ जाइएगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। लाइन भी जब लेते हैं आप तो बोलते हैं स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करो, सर्कल लेते हैं तो बोलेगा सेंटर पॉइंट डिफाइन करो, अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं तो क्या पूछता है, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट, ये स्टार्ट कर दिया, थोड़ी